हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम सुबह सुबह घूमने जाएंगे और आपको ड्यूटी ये जाएगी, हम घूमने जाएंगे और चलते हैं। येलो येलो बिल्कुल मस्त येलो येलो दिखेंगे। तो मौसम आज अच्छा है। वैसे तो ये ड्यूटी अपना गाड़ी में चली जाती है, लेकिन तबीयत ठीक नहीं होने के कारण आज मुझे छोड़ना पड़ा। चलते हैं, दिन में नाश्ता वास्ता कर लिया है और चलते हैं। आज गाड़ी को भी साफ करना है, बहुत दिन से पहले साफ नहीं किया, 3-4 दिन से नहाया नहीं। तो बता देता हूँ, लॉक कर जाएगी, लॉक कर देना घर, मैं नीचे जाऊँगा। गर्मी तो विंडो खोल लेना चाहिए, घर का भी खोल लेना चाहिए। चलते हैं, हमारी तो आज हम इनको स्कूल में फिर से छोड़ेंगे। वैसे तो ये अपनी गाड़ी खुद ले जा सकती थी, लेकिन तबीयत ठीक नहीं होने के कारण ये नहीं जा रही है, तो मेरे को छोड़ना पड़ रहा है। देखने से तो लग नहीं रहा है तबीयत ठीक है। घर में मेरे से काम कराने के लिए बस तबीयत ठीक नहीं रहा। कभी कभी ऐसी जॉगिंग करनी चाहिए। अच्छा, हमने अपनी मैडम को स्कूल छोड़ दिया है और छुट्टी होने के बाद उनको फिर से लेने जाएंगे। उनका फ़ोन आएगा, तो आज तबीयत उनका ठीक नहीं था तो मैंने आज उनको स्कूल छोड़ दिया है। वैसे तो खुद ही मैडम गाड़ी चला के आ जाती हैं, उनको गाड़ी भी चलाना मैंने सिखाया था, अपने ब्लॉग में मैंने डाला है, आप जरूर देखिएगा। बहुत अच्छा गाड़ी चलाती हैं और बहुत जल्दी गाड़ी चलाना सीख गई। तबीयत ठीक नहीं था तो मैं आज उनको छोड़ने आ गया। फ्रेंड्स, मैंने रास्ते में एक जगह, वो जो सील पत्थर होता है ना, जिसे पिसाई करते हैं, चटनी वटनी बनाते हैं, टमाटर वमाटर की, पत्थर का, वो मैंने देखा था बनते हुए। तो मैं सोच रहा हूँ वहाँ से सील पत्थर लेने का। तो फ्रेंड्स, मैंने वो सील बट्टी ले लिया है और उसको मैंने अपनी मम्मी के लिए लिया है। मेरी मम्मी को काफ़ी पसंद है वो, और कई बार मेरे को पूछती है जब मैं यहाँ रहता हूँ, वो जब भी घर और घर आऊँ तो उसको ले, वैसा वाला सील बट्टी अगर मिले तो ज़रूर लेके आना। तो मैंने आज उनके लिए ले लिया है, मेरी मम्मी के लिए, देसी मिक्सी। तो इसमें जो चटनी बनती है, इसमें जो मसाले पीसे जाते हैं ना, इसका स्वाद ना, उसका कोई मुकाबला नहीं। बिल्कुल नेचुरल उसका स्वाद रहता है, उसके मसालों का एक एक फ्लेवर उसमें आता है मसालों का। तो कुछ भी चीज़ उसमें बनता है ना, तो उसका स्वाद ही अलग होता है, मिक्सर ग्राइंडर से बिल्कुल अलग रहता है। तो फ्रेंड्स,
अब हम घर पहुंच चुके हैं, तो अब घर में चलते हैं और देखते हैं, क्योंकि आज मेरे को ही खाना बनाना है। तो घर में जाके आज मैं कुछ अच्छा सा खाना बनाता हूँ, और सब्जी नहीं है तो शाम को सब्जी भी लेना है, सब्जी लेंगे। और घर में तो अभी करेला और आलू रखा हुआ है, तो उसी को भी बनाऊंगा। उठाना पड़ेगा, कर देते हैं। जाएगा अब नहा धो के मिलते हैं, पानी भी आ गए हैं, पानी पीने का चालू कर दिया भैया ने, हम चालू हो गए हैं। इसको भी बंद कर दिया जाए, पानी भरना है अभी उन्हें। अब घर के काम भी मुझे ही करने पड़ेंगे, सारे घर को काम को मेरे को करना पड़ेगा। अभी कपड़ा वॉशिंग मशीन में डालना है, पहला झाड़ू लगाना है, फिर पोछा लगाना है और खाना भी बनाना है। तो काफ़ी काम करना है आज, तो मिलते हैं अपने पूरे काम कंप्लीट होने के बाद। आज तो मेरा बहुत काम है, आज मेरा हालत ख़राब होने वाला है। पानी को मैं पहले भर रहा हूँ, तो मोटर अभी बंद ना हो जा करके मैंने इसको जल्दी भरने से लगा दिया, धो के इसको भर लूँगा। उसके बाद अपना वॉशिंग मशीन का नल चालू कर देता हूँ ताकि इसमें पानी आए, और कपड़े डालने हैं मुझे, देखते हैं कपड़े क्या क्या है। इस पानी को भी वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं हम, तो मैंने इसको भी वॉशिंग मशीन में डाल दिया है। हम कभी अपना पानी को वेस्ट नहीं करते हैं, यूज कर लेते हैं। अपने बचे हुए सुबह के पानी को आप किसी न किसी तरीके से यूज कर दिया करो, नाली में डायरेक्ट मत डालो। तो हम लोग इसको वॉशिंग मशीन में डाल के इसको कपड़े धोने में यूज कर लेते हैं। आज तो बहुत थक जाने का टाइम हो गया, अभी मैंने छोड़ दिया है। और ये देखिए, आज मैंने इंस्पिरेशन वाला पहना है खुद के लिए, इंस्पिरेशन के लिए। एक काम कंप्लीट, तो पानी मैंने भर दिया है, एक काम मेरा कंप्लीट हो गया है। अगला काम करते हैं घर की सफाई करने का, तो जल्दी से उसको भी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आ गया हमारा झाड़ू, तो ये कोना कोना को साफ करना पड़ता है, हर कोने से कचरे निकाल देता हूँ मैं, पूरे कचरे अच्छे से निकाल देता हूँ। इतना वैसे तो सफाई करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन डेली साफ सफाई करने से घर साफ सुथरा भी रहता है। अपना घर की सफाई करने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए, हर कोई को अपना घर को सफाई तो करता ही होगा, तो मैं भी कर रहा हूँ। तो मुझे भी कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं घर की सफाई कर रहा हूँ, मुझे कोई ऐसा छोटा काम नहीं लग रहा है, मैं डेली करता हूँ घर की सफाई अपना, तो घर की सफाई करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, थोड़ा मेहनत लग रहा है, देखा जाए तो ये काम महिलाएँ करती हैं, और ये बहुत मेहनत का काम है। ये तभी समझ में आता है जब आप खुद करेंगे, वो इतना मेहनत वो डेली करती हैं, और उसका वो पेमेंट भी नहीं लेती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये घर की, घर का पूरा जिम्मेदारी, बच्चे की जिम्मेदारी, सारी फैमिली की जिम्मेदारी ये महिलाएं करती हैं हमारे घर की, तो इनके लिए तो एक सैल्यूट बनता ही है। मैं कोशिश करता हूँ जब भी मुझे मौका मिलता है मैं अपनी वाइफ का मदद कर देता हूँ, लेकिन उसके जैसे मैं सफाई नहीं कर पाता अपनी वाइफ के जैसे। थोड़ा वो आके बोलते भी है कि अच्छे से किया करो, वो जैसे बनता भाई कर देता हूँ। तो ये मेरा रूम भी साफ हो गया, किचन भी साफ हो गया, अब मेरे को पोछा मारना है।
घर की सफाई बहुत जरूरी है, उसके बाद मैं नहाने जाऊंगा। घर को साफ कर लेने के बाद तो झाड़ू लग गया है, अब मेरा पोछा मारने का टाइम है तो उसको भी मार देते हैं। पोछा मारने के लिए भी हम लोग के पास साधन है, ये वाला, जिससे अच्छे से आसानी से पोछा हो जाता है, इससे आसानी होती है, सहूलियत होती है। मैंने लिया था अपनी वाइफ के लिए। देखिए मेरे बेटे को ये करना बहुत पसंद है, वो जब भी रहता है ना तो ये पोछा लगाने वाला काम तो वही कर देता है। एक छोटा सा टच देना पड़ता है, इसकी तारीफ तो मुझे मिलती नहीं हमेशा। ये कमरे का रूम को ज़्यादा यूज करते नहीं है, एक ही रूम में रहते हैं, लेकिन जैसा भी है रूम को एक टच ही देना है बस। ये मेरा घर भी साफ हो गया और काम भी पूरा हो गया। अब चलते हैं, थोड़ा सा आराम करूँगा, फिर नहाऊंगा, फिर अपने ब्लॉग को देखूंगा कि मेरे जितने सब्सक्राइबर लोग आए हैं आज, किनका किनका ब्लॉग आया था। सुबह मैंने देख लिया था बहुत लोग का आया था, तो मैंने सबको कमेंट कर दिया है और उनका रिप्लाई भी आ गया था। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नहाने के बाद, और आज के लिए इतना ही।